अलामत हो। कौन सी अलामत हो? शद की अलामत हो। जिस हर्फ पर भी शद होगा, बेशक वो नून है, मीम है, आइन है, अलिफ है, या है, वो हर्फ मुशद्दद कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नून के ऊपर शद है और नून मुशद्दद है। ये जो है ये शद है। आपने ये नहीं कहना नून जो है वो तशदीद है, नून पे शद है, नून मुशद्दद है। इसी तरह अगर या पे शद है तो या मुशद्दद है, बा पे शद है तो बा मुशद्दद है, जीम पे शद है तो जीम मुशद्दद है, सीन पे शद है तो सीन क्या कहलाएगा? इसका आंसर करें जिन्हें समझ आ गई है। सीन पे शद है तो सीन क्या कहलाएगा? जल्दी जल्दी टाइप करें। सीन पे माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल अल्लाह तबारक तआला आप सबके